सभा को अपने समापन की ओर ले जाते हुए अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र चौबे से आग्रह करूंगी कि वो आए और कुछ कहें हमसे। मित्रों, सबसे पहले सविता खान जी के प्रति आभार और मणिन जी के प्रति भी कि उन्होंने लीली रेस से हमारा परिचय कराया ठीक ठाक। नाम तो हमने भी सुना था लेकिन मैंने पढ़ा कुछ नहीं था उनका, और ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि इसी बीच लगातार मणिन जी से भी और सविता जी से बातचीत होती रही और बहुत सारी बातें धीरे धीरे निकल करके आ रही थी। और मैं नवीन जी से जरूर कहूँगा कि उनसे मेरी शायद कभी बातचीत नहीं हो पाई लीली रे को लेकर के, और इसीलिए शायद मैं बहुत जैसे बहुत सारे लोग के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं कि वो बड़े लेखक हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, या पर्शियन के हैं, या दूसरे विषय के हैं, और कभी जब कोई चीज़ें सामने आती तो हम लोग पढ़ लेते हैं। जाहिर है कि लीली रे जी ने शायद अब इधर तो उनका लिखना शायद कम हो रहा होगा, अब पत्र पत्रिकाओं में शायद हिंदी में भी अनुवाद वाली चीज़ें बहुत कम, मैंने शायद मैं कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल से तो पत्रिकाएं हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हंस हो या ज्ञानोदय हो या ऐसी पत्रिकाएं, और उसमें शायद मतलब इधर शायद मुझे भी लगा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला इनके अनुवाद या इनकी चीज़ें, और इसीलिए जो आप लोग की जो बातचीत हो रही है प्रोजेक्ट करने वाली बात या ये, तो जाहिर है कि लेखक के बारे में जितनी हम चर्चा करें, जितनी चीज़ें उनकी सामने लाएं, ये हमारा आलोचक की या कहिए कि इतिहासकार की या एकेडमिशियन की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो कैसे चीज़ों को सामने लाता है और किस रूप में लाता है। अभी हम लोग पटना में परसों थे और वहाँ मेरी बात उषा किरण खान जी से हो रही थी, अचानक बातचीत करते करते मैंने कहा, ये उपन्यास मैं पढ़ रहा था पटा छेप, मैंने उनसे कहा कि एक मैथिल में बहुत अच्छी लेखिका हैं लीली रे, और हम लोग कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं, कुछ उनको एक सम्मान दिया जाए। तो इसी प्रसंग में कहा कि अरे आपने बहुत अच्छी बात की, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आप लोग ज्ञानपीठ के लिए कोशिश करिए, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने लायक लेखिका हैं। और इसीलिए जब इधर कुछ बातचीत आप लोग की हो रही थी कि मिथिला में उनकी किताब लोकार्पित हो रही थी तो लोगों ने अश्लील साहित्य कहकर संबोधित किया, लेकिन जब मैं ये नॉवेल पढ़ रहा था पटाक्ष पढ़ रहा था तो मेरी कुछ धारणाएं अलग बन रही थी, और जाहिर है कि मैं जो सोच रहा था जो बोल आपसे बातचीत अपने शेयर भी करना चाह रहा था, तो मणिन जी की बातचीत हम लोग की लगातार होती रही और दिलीप जी को सामने देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मणिन जी आपकी खूब मतलब आपकी बातचीत करते हैं, आपकी रणधीर सिंह की या फिर रविंद्र रे की, और मैं अखलाक शाह मणिन जी रोज शाम को थोड़ा हम लोग घूमना फिरना साथ में होता है शाम को 8 बजे के आसपास, और एक आध घंटा हम लोग घूमते हैं, कई बार हम लोग ढाबे पर बैठ के चाय भी पीते हैं गंगा ढाबा पर या फिर वो आपका 24/7 है वहाँ, फिर बहुत देर तक हमारी बातचीत होती रहती है, तो उसमें ये सारी बातें बार बार घूम करके आती रहती है। और मणिन जी एक बहुत अच्छी बात मैं वहीं देख रहा था, हमारे जितने वक्ता थे वक्ताओं ने रामानंद झा जी ने जाहिर है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसीलिए उनको बधाई तो मिली भी लेकिन मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई कि आपने एक ऐसे लेखक को सामने लाया जो वाकई मतलब हिंदी में भी इस तरह से लेखन काफ़ी हुआ है लेकिन स्त्री लेखिकाओं ने तो बहुत कम लिखा, हम लोग कृष्णा सोपति को बार बार याद करते हैं या थोड़ा बहुत मृणाल पांडे को इस तरह के लेखन के लिए, और इधर की कुछ लेखिकाएं हमारी है मनीषा कुलश्रेष्ठ या ऐसी जो कुछ लेखिकाएं हैं जो काफ़ी जिसको हम लोग कहते हैं कि काफ़ी ताकतवर तरीके से जो समाज का जो सच है उसका बयान करती है, जिसकी तरफ दिलीप शिमियन भी कह रहे थे कि साहित्यकार कुछ नहीं करता है, जो समाज का जो सच होता है जो जीवन का सच होता है उसको एक कथात्मक तरीके से जो जीवन का यथार्थ है या जो जिसको मन गढ़ंत भी आप लोग कहते हैं उसको बहुत ही कलात्मक तरीके से हमारे सामने रखता है, और आलोचक ये बार बार देखता है कि कैसे जो सामान्य जीवन की जो छोटी छोटी बातें हैं जो शब्द हम आपस में बातचीत करते हैं जो हम बोलते हैं आपस में कैसे वह जो भाषा बोलचाल की जो भाषा होती है कैसे धीरे धीरे सर्जनात्मक भाषा में तब्दील हो जाती है क्रिएटिव लैंग्वेज में तब्दील हो जाती है और वहीं सामान्य बातें छोटी छोटी बातें कहानी बन जाती है या कविता बन जाती है या उपन्यास या फिर नाटक बन जाता है। और मैं देख रहा था कि देवशंकर जी ने काफ़ी तुलनात्मक तरीके से एक तरह से रखा कि जो 20वीं सदी जो हमारी थी और उसमें कैसे मतलब लेखक काम कर रहे थे उनके सामाजिक सरोकार किस तरह से थे,
और किस तरह से वे मतलब एक तरह से गुलेरी जी को उन्होंने चर्चा की, किस तरह से वो चीज़ों को सामने लेकर के आ रहे थे। वो जाहिर कि मरीन जी ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक बहुत अच्छी बात की, बार बार हम लोग चढ़ते भी हैं कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ये लेखक का भी बहुत बड़ा काम होता है कि कैसे उसको एक तरह से अपने को उसके साथ जोड़ता है। और जाहिर है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास हमारा अतीत भी है और वर्तमान भी है, एक भविष्य है जो आगे आएगा आपके सामने। आप कैसे इन तीनों के बीच एक कलात्मक रिश्ता कायम करते हैं, यह हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपका परिवार, परिवार के साथ आपका गांव, आपका समाज आपके साथ चलते रहता है। एक वर्तमान आपको जेएनयू जैसे जगहों पर मिलता है जहां आप आधुनिक तरीके से समकालीन होकर के जुड़ते हैं, और फिर आप भविष्य के सपने देखते हैं। इन तीनों के बीच कैसे आप एक तरह से मतलब उस जो तनाव होता है, जो बेचैनी होती है, जो सोचने समझने की जो कलाएं होती है, कैसे उसको आप एक तरह से अरेंज करते हैं। कई बार जो लेखक अरेंज कर लेता है बहुत बड़ा लेखक हो जाता है, कई बार जो समाजशास्त्री इन चीज़ों के इन सवालों को एक तरह से ठीक ठाक तरीके से अरेंज करता है, उसके बारे में विचार करता है, वो भी बड़ा समाजशास्त्री हो जाता है। कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं, कई बार हम एक सीमा तक आगे जाते हैं, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं, हो सकता है हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। जो बात मणि जी कह रहे थे कि रणधीर सिंह कहते थे कि उतना ही बोझ उठाना चाहिए कि जितना कि आप चल सकें, ये बात लगभग मुझे लगता है समाजशास्त्र में भी सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं। पीसी जोशी से हम लोग की जब भेंट होती थी, जो समाजशास्त्र के जो अध्यापक थे, वे भी बात करते थे कि बहुत सारे हिंदी के लेखक होते, उन्होंने लिखा भी है अपनी किताबों में, कि जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाते हैं अपने लेखन में, लेकिन उसको लेकर के वो बहुत दूर तक चल नहीं पाते हैं। किसान की समस्या को मेरे ख्याल से बहुत सारे लेखकों ने उठाया है, लेकिन आप प्रेमचंद ने जिस गहराई के साथ किसान जीवन को उठाया और उसको आगे तक लेकर गए। और कहा जाता है कि सिर्फ समस्या उठाना, उसको चलाना ही बड़ी बात नहीं होती है, आप कहाँ पर उसका अंत करते हैं और कैसे उसका अंत करते हैं, ये लेखक की सबसे बड़ी खूबी होती है। और इसीलिए इस नॉवेल में भी जिसकी तरफ बार बार बातचीत हो रही थी कि आखिरी में लिली रे क्या करती है, वो सारे कॉन्फ्लिक्शंस को दिखाती है, जो सारे तनाव थे, सारी जो कन्फ्यूजन भी, जो बात आखिरी दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश के युद्ध के बाद एक तरह से पूरा का पूरा जो कटिहार इनका इलाका है, जो पूर्णिया का जो पूरा क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं कि पूर्णिया से लेकर के बागडोगरा या फिर आगे असम तक भी आप जाएं, तो उस इलाके में जिस तरह से आवाजाही हो रही थी मतलब बांग्लादेश से आए हुए लोग शरणार्थियों की, और जब एक तरह से जो जो सारे ये आपके दिलीप सिमियन जैसे जो कॉमरेड रविंद्र रे जैसे जो लोग थे, जब उनकी समस्याओं से जब देखते हैं और देखते हैं कि समाज धीरे धीरे बदल रहा है, और जो बदलाव की जो प्रक्रिया है इनके सामने घटित हो रही है, ये भी देख रहे हैं कि जिन सवालों को लेकर के ये लोग एक तरह से उस क्षेत्र में काम करने गए थे, वे सवाल भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि वे सवाल एक तरह से समाप्त हो गए हैं, खास करके गरीबी का, शोषण का, भुखमरी का, और जो एक तरह से असमान जो बंटवारा है एक तरह से संसाधनों का, एक तरह से किस तरह से वहाँ का जो समाज है, ऐसा भी समाज है जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, जिसके पास पानी तक ठीक ठाक नहीं है, और किसी के पास काफ़ी संसाधन है, और वे ये सब देख रहे हैं और उन सवालों को लेकर के सारे लगातार बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कई तरह सारी सारी चीज़ें आ रही है। उसके बाद भी धीरे धीरे एक बड़ी घटना घटती है बांग्लादेश की, और हम लोग ये कह सकते हैं कि दो बड़ी घटनाएं घटी उस दौर में। एक बांग्लादेश का वार था 1971 का था, और दूसरा जो बाद में जेपी मूवमेंट हुआ। शायद इन दोनों बड़ी घटनाओं ने एक तरह से नक्सलवाद, जिसे आप नक्सलिज्म कहते हैं, उसकी तरफ से लोगों को एक तरह से डाइवर्ट भी किया, या उसको एक तरह से आम जनता को भी एक तरह से मतलब अलग किया। और हमें भी, हम लोग भी जानते हैं कि मेरे गांव में जो दो नक्सल मूवमेंट से जुड़े जो लोग थे, एक त्रिभुवन जी थे और एक तिलबुल चौबे थे।
संजय थोड़ा पीछा ना खींच के। Parents, please stand for the national anthem. Tomorrow will be holiday in lieu of annual function. लग रहा था जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था, खासतौर से मतलब पटाक्षेप मैंने पढ़ा पूरा, और तब मुझे लग रहा था कि जो सारी बातें हमारे मतलब सीमा सविता खान जी ने भी शुरू में कहा और फिर बाद में हमारे जो सारे वक्ता अखलाक शाह भी कह रहे थे, रमन जी भी कह रहे थे, कि मुझे पढ़कर लग रहा था मणि जी की हाईली पोलिटिकल नॉवेल है मतलब। और जब हम किसी नॉवेल को पोलिटिकल नॉवेल कहते हैं, राजनीतिक उपन्यास कहते हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि किसी एक्टिविस्ट का नॉवेल है। कई बार होता है कि हर आदमी जहाँ खड़ा होता है, जो लेखक या जो समाज का, जो हमारे यहाँ जितने आप लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी की एक जमीन है जिसको हम लोग जमीन कहते हैं। वो जमीन मूलतः आपकी आइडियोलॉजी होती है। अगर आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी कोई बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। और यह हमें जानना चाहिए कि आपके पास वह आइडियोलॉजी है, वह जमीन है जिसकी तरफ कई बार मणि जी कहते हैं कि दर्शन सबके पास दर्शन है, कि हाँ जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए, और वहीं से खड़ा होकर के हम एक तरह से समाज को देखना शुरू करते हैं। और यह चीज तब बड़ी अधिक इंटरेस्टिंग हो जाती है जब उस समाज को देखने की प्रक्रियाओं में आपके आसपास के लोग जो होते हैं वो कई तरह के विचारों से जुड़े होते हैं, और हर आदमी अलग अलग तरीके से व्यक्ति को देखता है, समाज को देखता है, समाज में हो रही छोटी छोटी गतिविधियों को देखता है, यहां तक कि वह भी देखता है जिसकी तरफ सविता जी कह रही थी कि वाकई इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो गांव का जो मजदूर होता है किस तरह से बातचीत करता है, वो हंसता कैसे है, कैसे वो बैठता है, कैसे है वो, कैसे चलता है, कैसे वो उठता है, ये सारी चीजें इस उपन्यास में भी आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत बारीकी के साथ एक तरह से लिली रे ने इन छोटी छोटी मतलब चीजों को एक तरह से उकेरा है कि कैसे जो उस कटिहार या पूर्णिया के इलाके के जो का जो मजदूर समाज है, जो खेतिहर समाज है, जिसके पास खेत नहीं है लेकिन खेती में खेतों में मजदूरी करके एक तरह से अपने जीवन को बना रहा है, जीवन को आगे ले जा रहा है, वो कैसे एक्ट करता है समाज में। और कहा जाता है कि जो समाजशास्त्री होते हैं या जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं या यहाँ तक कि जो इतिहासकार होते हैं, वे बड़ी बारीकी के साथ इनका अध्ययन करते हैं और मानकर चलते हैं कि ये चीज़ें जो घटित हो रही है ये वह भी एक इतिहास का बड़ा हिस्सा है, वह भी एक तरह से सामाजिक बदलाव का भी एक बड़ा हिस्सा है। और उसी में जब तीन एक तरह से एक्टिविस्ट जब प्रवेश करते हैं उस इलाके में काम करने के लिए, और जिनकी तरफ सुजीत, अनिल या दिलीप इसमें है, जो आपके सामने मणि जी ने कहा कि एक तो आपके सामने बैठे हैं दिलीप सिमियन, ये सबसे बड़ी आज के कार्यक्रम की उपलब्धि है कि कम से कम जो नक्सलवाद का जो दौर था 1967 का, उस दौर में जो लोग एक तरह से फील्ड में काम कर रहे थे, और कहा जाता है कि वह इतिहासकार बड़ा इतिहासकार होता है या वह लेखक बड़ा लेखक होता है जो अपने लिखने का एक क्षेत्र भी निर्धारित करता है, एक डोमेन भी निर्धारित करता है। आप सिर्फ अपने घर में रह करके, अपने गांव में रह करके, अपने यूनिवर्सिटी में रह करके आप कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी तो आपके लिए ठीक है, काम करने का जरिया है, लेकिन अगर वाकई आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको अपना एक क्षेत्र चुनना पड़ेगा, एक एरिया लोकेट करना पड़ेगा। अगर आप समाजशास्त्री हैं तो किसी समाज को चुन लीजिए, अगर आप इतिहासकार हैं तो उस जगह को भी चुनिए,
और जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस जगह का एक बड़ा बड़ा इतिहास है जो आज भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसका इतिहास ठीक ठाक लिखा जाए, क्योंकि जो बड़े इतिहासकार होते हैं बड़ी बड़ी परिघटनाओं को इतिहास का हिस्सा बनाते हैं, और जो छोटी छोटी घटनाएं होती है हमेशा एक तरह से कहिए कि उसको कई बार बड़े बड़े इतिहासकार भी उसको अमहत्वपूर्ण मान करके छोड़ देते हैं, वह कभी भी वे घटना एक तरह से इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाती है। और इसलिए जब ये मणि जी कह रहे थे कि सबल्टन का थोड़ा सा विरोध कर रहे थे रविंद्र, तो ठीक है, वो एक दौर था जिसमें उनको लगा कि जिस चीज़ से वो अनुभव से दौर से गुजर करके आए हैं और जिस समाज के इतिहास की बात सबल्टन हिस्टोरियन करते हैं, खासतौर से मतलब चाहे शाहिद अमीन हो या ज्ञानेंद्र पांडे हो या रंजीत गुहा हो, ये उसी उन्हीं मजदूरों की कहानी एक तरह से नए सिरे से कह रहे थे, जिनका जिनके शोषण का संबंध सिर्फ आर्थिक नहीं था बल्कि सामाजिक भी था, उनका रंग भी था, उनकी बनावट भी थी, उनका वह सब कुछ था आर्थिक के अलावा जो एक तरह से गरीब और शोषित समाज के साथ होता है। तो वो कभी ये जाहिर है कि जो फील्ड में गए थे इनको लगा कि जिसके जिसके इतिहास की बात करते उस इतिहास में तो ये लोग रह करके आए हैं, और उस इतिहास के हिस्सा उन्होंने देखा है कि वो कैसे सारे गांव में कैसे छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं जहां पर घर होते हैं टूटे टूटे फूटे होते हैं, और एक में बाढ़ का वर्णन सुन रहा था कैसे घर गिरता है उसके बारे में, कैसे इसमें लिली रे ने उसकी भाषा का इस्तेमाल किया है और हो सकता है कि मैथिली में, और वो बहुत सुंदर तरीके से कि हाँ छप्पर गिरा फिर कैसे लड़के उसमें मतलब टॉयलेट कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आ रही है बरसात के पानी में जो गिरा, उसका भी उन्होंने बयान किया इस नॉवेल में। तो कहा जाता है कि ये सब जाहिर है कि ये सब हो सकता है लिली रे ने देखा भी हो वहां जाकर के उन दिनों बाढ़ के दिनों में, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो आपके दिलीप जी हैं या फिर रविंद्र थे हो सकता है कि उन्होंने बातचीत के दौर में ये सारी बातों का बयान किया होगा। और एक लेखक, वही बार बार कहा जाता है कि समाजशास्त्री बार बार कहता है कि लेखक सिर्फ एक कहानी कथा कहने वाला किशागो नहीं होता है, लेखक जो लिखता है उसमें इतिहासकार के लिए भी जगह होती है, राजनीतिक विज्ञानियों के लिए भी जगह होती है, समाजशास्त्रियों के लिए भी जगह होती है। आप सामाजिक संरचना को जितना साहित्य के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उतना आपको हो सकता है कि समाजशास्त्र की बड़ी बड़ी किताबें आपको नहीं समझा पाए, और इसीलिए प्रेमचंद या रेणु या ऐसे जितने बड़े बड़े लेखक इसीलिए आज भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बारीकी के साथ उस समय को पहचाना जहां से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं शुरू हो रही थी। और कहा जाता है कि लेखक जो होता है सिर्फ मतलब वो लेखक नहीं होता है, जो बड़ा लेखक होता है वह अपने राष्ट्र को एक तरह का राष्ट्र का जो इतिहास होता है या राष्ट्र का जो समाज होता है उसका पुनर्लेखन भी करता है। और इसीलिए आप प्रेमचंद को जो पढ़ेंगे तो प्रेमचंद सिर्फ कहानी नहीं कहते, प्रेमचंद यह भी बताते हैं गोदान में कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय, भारत में कैसी राजनीति चल रही थी उस समय, किस तरह से मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ एक तरह से भारतीय जनता संघर्ष कर रही थी। उस संघर्ष के तीन छोर थे, एक तरफ गांधी थे, दूसरी तरफ मतलब कहिए कि 20 के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी, और तीसरी तरफ मतलब जो एक तरह से आरएसएस का जब उदय होता है, कई लोग कहते हैं कि मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के जो सारे शिष्य थे वो कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई बाद में जाकर के जनसंघी हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें फैलती है। और मुझे बार बार लग रहा था कि 1947 के बाद के अगर आप भारत को समझना चाहते हैं 47 के बाद के भारत को, तो कम से कम मुझे लगता है कि तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सांप्रदायिकता को समझना बहुत ज़रूरी है, जो 47 में जो देश का विभाजन होता है तो जाहिर है कि जो सांप्रदायिकता थी भारत में उसका एक वह भी एक मतलब एक बड़ा तब्दीली होती है उसमें जो पहले से चली आ रही थी, और उसमें दूसरी तब्दीली 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद दिखाई पड़ती है, तो 47 उसका लेकिन बीच का पॉइंट है। दूसरा कहा जाता है कि अगर आप दूसरा जो सबसे बड़ी परिघटना थी खास करके आज़ादी के बाद जिसने पूरे हमारे सामाजिक हमारे समाज को हमारी राजनीति को या हमारी संरचनाओं को बहुत गहराई से प्रभावित किया, वह एक तरह से था 1956 या उसके पहले का जो अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, खास करके जो मतलब 56 में अम्बेडकर जब एक तरह से हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो दलित एक तरह से मतलब आंदोलन के नए तरीके से अम्बेडकर के प्रभाव में शुरू होता है महाराष्ट्र में 1961 के बाद या फिर बाद में भारत के अनेक इलाकों में, तो वह एक बड़ी परिघटना थी अम्बेडकर का मतलब हिंदू से बौद्ध होना। और तीसरा मुझे बार बार लगता है कि समकालीन भारत को समझने के लिए जो तीसरा बड़ा सूत्र है वह 1967 का नक्सलवाद है। इस नोवेल में भी चारू मजुमदार की भी चर्चा है, उनके जिंदाबाद की भी चर्चा है,
आपके माओ से तुंग की भी चर्चा है और जाहिर है कि वही दौर था जब 1966 से 76 के बीच चीन में एक तरह से वहां भी क्रांति का दौर चल रहा था और उसमें मतलब जिसको सांस्कृतिक क्रांति वहां भी कहते हैं उस क्रांति को जिसमें कई तरह की तब्दीली आ रही थी। वहां भी पार्टी बहुत सारे अपने कैडर को गांव भेजती है काम करने के लिए, यहां तक कि मतलब कई सारे बड़े बड़े लेखकों के बारे में कहा जाता है कि उन लेखकों से भी और बड़े बड़े मतलब अकेडमिशियन से कहा जाता है गांव में जाकर के काम करें, मजदूरों के साथ काम करें। कई लोग को टॉयलेट साफ करने का काम मिलता है, कई लोग को सड़क सफाई का काम मिलता है और वहां पार्टी भेजती है। और 67 के आसपास तो मतलब यहां तो खुद ही एक तरह से एक आंदोलन शुरू होता है और बड़े बड़े लोग जाकर के उस मूवमेंट से जुड़ते हैं, नक्सल मूवमेंट से। तो मुझे ये भी बार बार लगता है कि अगर हमें भारत के गांवों को समझना है ठीक ठाक कि भारत के गांव में कब तब्दीली होती है, एक तो आप कह सकते हैं कि गांधी भारत के गांव को बदलते हैं और कई बार 1857 भी भारत के गांव को बदलता है जो क्रांति हमारी पहली होती है। दूसरा, गांधी के आने के बाद भारत के गांव बदलना शुरू होते हैं। और तीसरा, जो भारत के गांव बदलते हैं वह 67 के बाद होता है। और आप देखेंगे कि इसको समझने के लिए दो चीज का अगर मैं उदाहरण दूं कि गांधी के आने के बाद जो भारत के जो किसान हैं, गांव के किसान जो हैं, वो काफी हिंसक नहीं हैं। वे एक तरह से गांधी के नेतृत्व में सीधी साधी लड़ाई लड़ते हैं, अहिंसा है उनके पास, सत्याग्रह है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन 67 के बाद जो तब्दीली होती है कि वही किसान जो गांधी के किसान, कई बार दिलीप जी तो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, कई बार हम लोग जो पढ़ते हैं उन हिस्टोरियन को जो एक तरह से आज भी गांधी के प्रभाव में इतिहास को लिख रहे हैं, वे मानते हैं कि 67 के बाद किसान जो हैं, एक तरह से किसानों में जो परिवर्तन होता है, नक्सल मूवमेंट से के नज़र से देखेंगे तो किसान काफ़ी हिंसक हैं या मजदूर काफ़ी हिंसक हैं, वे अपने अधिकार की मांग करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए वो एक तरह से मतलब हथियार उठाते हैं, हत्याएं करते हैं और काफ़ी वायलेंस है मतलब। लेकिन गांधी के किसान वायलेंस नहीं है। एक बार होता है चोरी चौरा में तो उसको लेकर के गांधी काफी नाराज होते हैं, उपवास भी करते हैं। लेकिन 67 में जो सारा घटित होता है, और जाहिर है कि कटिहार पूर्णिया से नक्सलबाड़ी बहुत दूर भी नहीं है लेकिन बहुत करीब नहीं तो बहुत दूर भी नहीं है, तो उसका प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा उस इलाके में। तो वहां से भारतीय गांव की पूरी सामाजिक संरचना बदल जाती है। लोग जमींदार को जमींदार मानने से इनकार कर देते हैं, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं उसके प्रभाव में, यहां तक कि जमींदारों की हत्याएं भी होती है, उनके घरों पर हमले होते हैं, उनके गोदामों को लूटा भी जाता है, ये सारी परिघटनाएं घटती है। और किसान इतने साहसी होते हैं, खेतिहर मजदूर और छोटे छोटे जो किसान हैं जो जोत के हिस्से को का एक तरह से मतलब किसानी करते थे। इस नोवेल में भी, पड़ाक्षेप में भी, इन सारी घटनाओं को जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं बहुत बारीकी के साथ है लिली रे ने लिखा है। और मुझे बार बार लगता है कि अगर समकालीन भारत का पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखना हो खास करके साहित्य के जरिए तो यह पड़ाक्षेप आपको बहुत मदद करेगा। ऐसे उपन्यास बहुत कम, हिंदी में भी बहुत कम है, कुछ लोगों ने लिखा है मतलब काफी मतलब मनमोहन पाठक का गगन घटा घरानी उपन्यास है जो नक्सलवाद इसके प्रभाव में लिखा गया है। और कविताएं बहुत लिखी गई हिंदी में खास करके नक्सल से प्रभावित, कहानियां भी काफी लिखी गई, सुरेश कांटक हैं, विजय कांत हैं, विजेंद्र अनिल हैं, इन लोगों ने भोजपुर के इलाके के जो कहानीकार हैं सुरेश कांटक और विजेंद्र अनिल, ये लोग भी उस इलाके में रह रहे थे और वहां उन्होंने लिखा उन गांव की कहानी की कैसे लोग नक्सलवाद हो रहे थे, कैसे नक्सल के सवाल एक तरह से ये कई बार लगता है कि ये मूवमेंट जो था एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से जो आम आदमी थे, गांव के जो खेतीहर मजदूर थे, जो किसान थे, उनकी डिग्निटी को थोड़ा सा बढ़ा रहा था और इसीलिए साथ जुड़ते भी इस आंदोलन से। वे उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल विचारधारा है जो उनको महत्व दे रही है और कहीं ना कहीं एक तरह से जो लड़ाई, जो बड़ी बड़ी लड़ाई होती है उसके पीछे एक बड़ा जो तर्क होता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से आप जब तक आप आम आदमी को सम्मानित नहीं करेंगे, उसके डिग्निटी को महत्व नहीं देंगे, वह कभी भी आपके मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा। और यह नोवेल में कई जगह बताता है कि लोग शुरू में जो सारे कॉमरेड हैं, चाहे सुजीत हो, चाहे अनिल हो या दिलीप हो, ये लोग उनके साथ काम करते हैं, उनको मतलब उनको महत्व देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ घरों में रहते हैं, उनके साथ ये खेतों में जाते हैं, खेतों में धान रोपने का काम करते हैं, कुदाल चलाने का काम करते हैं, उनके साथ कटाई का काम करते हैं, ये सारे छोटे मोटे काम करते हैं। और कैसे वे गांव जो इनके शेल्टर थे वहां पर जहां पर ठहरते हैं, कैसे वो लोग इनको एक तरह से अपना अन्न देते हैं खाने के लिए, जो वे खाते हैं वही ये भी खाना खाते हैं।
और इसीलिए एक तरह से मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब एक जीता जागता इतिहास हम देख रहे हैं, और दिलीप सिमियन को देख करके तो वहीं बार बार लग रहा है कि इतिहास का एक बड़ा नायक हमारे सामने खड़ा है। और वाकई उनसे बातचीत करना, वाकई वो जो इन लोगों का 3 साल जो बीता होगा वहां पर 67 से लेकर के 71 तक अगर ये रहे होंगे बांग्लादेश के वार्तक 72 तक, तो जो 5 साल है, ये 5 साल का अनुभव जीवन का बड़ा अनुभव होता है। आदमी के जीवन में तो एक बड़ी सी घटना पूरा का पूरा बदल देती है। ये तो नक्सलवाद की घटना तो पूरे समाज के बदली, और लोग भूल लो जाते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो गया, लेकिन नक्सलवाद समाप्त नहीं, अभी भी गांवों में वह जो प्रक्रिया है अभी भी किसी कई रूपों में चल रही है, जो सामाजिक बदलाव है। और इसीलिए आप गौर करेंगे कि जाहिर है कुछ नक्सलवाद के साथ दलित अस्मिता का भी सवाल जुड़ा, अम्बेडकर का मूवमेंट जुड़ा बाद के दिनों में आकर के, और फिर धीरे धीरे मतलब एक और अच्छी बात मुझे बार बार लग रही थी कि कई बार हम जब ऐसे नॉवेल लिखते हैं तो जो हमारा समाज है, एक मुख्यधारा का समाज है, जो मार्जिन का समाज है, कई बार हम आदिवासी को मार्जिनल समाज का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन वह भी एक तरह से इसी हमारे समाज का हिस्सा होता है। लिली रे ने जो बड़ा काम किया, सबसे बड़ा, कि उन्होंने आदिवासी समाज के बीच जो घटनाएं घटित हो रही थी उसको भी इसको देखने का या इस उपन्यास को एक तरह से लिखने का हिस्सा बनाया। और हो सकता है कि जिन जो सारे तीनों एक्टिविस्ट कॉमरेड इसमें हैं एक तरह से, ये आदिवासी इलाके में भी जाकर काम किए होंगे, वहां उन्होंने सारे उनकी भी प्रक्रियाओं को देखा कैसे। और इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब रेणु के उपन्यास में भी मतलब संथाल आते हैं, वहां पर वहां भी तीर धनुष चलता है रेणु के उपन्यास में भी। प्रेमचंद के यहाँ वह नहीं दिखाई पड़ता, हो सकता है प्रेमचंद का जो इलाका है उसमें ये सब चीजें नहीं है, लेकिन रेणु के इलाके में ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जो लेखक होता है अपने कथा के जरिए, अपने उपन्यास के जरिए, वह भी अपने राष्ट्र को समझने की कोशिश करता है। और लिली रे भी इस उपन्यास के जरिए एक तरह से उस दौर की जो विचारधारा थी, उस दौर का जो समाज था, या उस दौर की जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं चल रही थी जिसकी विचारधारा नक्सलवाद भी थी, उसको वो समझती हैं और उसके जरिए मतलब अपने राष्ट्र को समझने का एक सूत्र देती है। तो कहीं ना कहीं उनका यह उपन्यास और उनकी जो दूसरी तीसरी कहानियां होगी इस तरह भी संकेत करती है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक तरह से मतलब शिक्षिता जी को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पर राजेश जी बैठे हैं, अखलाक साहब हैं, मणिन जी हैं, और जुबीन हैं, और रमन जी हैं, कि रमन जी ने तो बहुत अच्छा काम किया कि सारी चीज़ों को उन्होंने एकत्रित किया, संपादित किया, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और ये इस तरह के जितने प्रयास होंगे उससे हमारा साहित्य समृद्ध होगा ही, कहीं ना कहीं हमारा समाज भी काफ़ी समृद्ध होता है कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा साहित्य है जिसके आधार पर आप एक तरह से समाज का या देश का या राष्ट्र के इतिहास को भी आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबके प्रति आभार और धन्यवाद।